नमस्कार, मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम BCOM पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम में ग्रामीण विकास एवं सहकारिता के अंतर्गत यूनिट संख्या 5 के अंतर्गत चैप्टर सहकारिता की विचारधारा में कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेशन की विचारधारा में सहकारिता का महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी है टॉपिक। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं, सहकारिता के प्रमुख विशेषताओं के बारे में वर्णन कीजिए। दूसरे वीडियो में हमने चर्चा की सहकारिता से आप क्या समझते हैं, सहकारिता के उद्देश्य कौन कौन से हैं, जिसमें हमने अध्ययन किया था आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, सेवा भावना के उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य के बारे में, नैतिक उद्देश्य के बारे में हमने संक्षेप में चर्चा की थी। इसी क्रम में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि सहकारिता के महत्व कौन कौन से हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि सहकारिता का उद्देश्य लाभ कमाना है, लाभ कमाना न होके सेवा भावना है, तो इसमें सर्वप्रथम इम्पोर्टेंस की हम बात करें तो आधुनिक युग में सहकारिता के महत्वों को भी हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से हम चर्चा करेंगे, जिसमें सेवा भावनाओं के उद्देश्य से किया गया कोई संगठन जब गठित होता है तो विकास संभव होता है। तो स्वांगीण विकास पहला इंपॉर्टेंस हो गया, स्वांगीण विकास। स्वांगीण विकास भी एक महत्वपूर्ण रूप से भूमिका का निर्वहन करता है ऑल ओवर डेवलपमेंट। स्वांगीण विकास किस चीज का? स्वांगीण विकास मुख्य रूप से सहकारिता मानव जीवन के किसी भी पहलू को नहीं वरन महत्वपूर्ण पहलू की ओर दृष्टिगत रखती है। स्वांगीण विकास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, धार्मिक पहलुओं को भी शामिल किया गया है। सहकारिता व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करती है, परस्पर सहयोग और भाईचारे की भावनाओं भी क्या करती है, विकसित करती है, और व्यक्ति में राजनीतिक चेतना भी जागृत करती है। तो ये है। दूसरे बिंदु की हम बात करें तो आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक। आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक, आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण के रूप कंट्रोल ऑफ कंसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर में सहकारिता सत्ता का केंद्रीकरण पर भी रोक लगाती है। इसके अंतर्गत साम्यवादी की तरह है क्रांति लाकर आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण का तत्काल अंत नहीं किया जाता, वरन शांतिपूर्ण आंदोलन द्वारा आर्थिक सत्ता या आर्थिक दृष्टि से निर्बल वर्ग को ऊंचा उठाया जाता है। इसमें शोषित वर्ग संगठित होकर शोषित वर्ग के भय से मुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार आर्थिक साधनों के समान वितरण में भी सहयोग करती है। अगला, आर्थिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के न्यायपूर्ण वितरण। न्यायपूर्ण वितरण भी एक सहकारिता के इंपॉर्टेंस में शामिल है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वर्तमान युग में सहकारिता एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें न्यायपूर्ण वितरण पर जोर देती है। सहकारिता का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना न होकर वरन उद्देश्यों या सदस्यों के उचित मूल्य वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध करवाना है, जिसके अलावा सहकारी समिति के पास जो आधिक्य या लाभ शेष रहता है उनका भी वितरण सदस्यों के व्यवहार अनुसार कर दिया जाता है। इसके विपरीत पूंजीवाद में पूंजीपति लाभ हड़प जाता है और साम्यवादी सत्ता वर्ग वास्तव में सहकारिता वितरण में न्याय पर जोर देती है।
ये भी इसका महत्वपूर्ण है, न्यायपूर्ण वितरण में भी महत्वपूर्ण है। अगला है शांतिपूर्ण आंदोलन, महत्व में चौथा में। सहकारिता के महत्व में शांतिपूर्ण आंदोलन भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक ढांचे धीरे धीरे परिवर्तन लाना ही सहकारी आंदोलन की एक विशेषता है। पूंजीवादी, समाजवादी, नस्लवाद आदि के विचारों से सहमत नहीं है। मनुष्य की अच्छायों देखता है, ऊंचा उठाने के लिए शोषित वर्ग से मुक्त करवाने की ओर ध्यान भी देता है। तो इस प्रकार भी सहकारिता आंदोलन अवांछनीय तरीकों से हिंसों का सहारा लिए सामाजिक लक्ष्य प्राप्ति का साधन है, जिसमें शांतिपूर्ण क्रांति लाने वाला एक आंदोलन है। इसमें किसी भी व्यवस्था की बुराइयों को दूर करने वाला प्रयास किया जाता है, जो संपूर्ण व्यवस्था को समाप्त करने का नहीं। शोषण के भय से मुक्ति, शोषण के भय से मुक्ति भी एक महत्वपूर्ण है। पीसफुल मूवमेंट, शांतिपूर्ण आंदोलन शोषण भय के मुक्ति से, फ्री फ्रॉम फेयर एक्सप्लॉयटेशन। सहकारिता एक ऐसा समाज की स्थापना करती है जो शोषण से मुक्त हो, जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व हो। ऐसे समाज का प्रबंध श्रम परस्पर संघर्ष नहीं होता है कि उपभोक्ता वर्ग को शुद्ध एवं सही वस्तुएं उपलब्ध होती है, कृषकों की उपज की उचित मूल्य प्राप्त होता हो, निर्बल वर्ग पूंजीवृत्तियों से भय मुक्त होता है। तो ये भी एक है। अगला है प्रजातांत्रीय भावना का विकास। प्रजातांत्रिक भावनाओं का विकास भी इसके इम्पोर्टेंस में सम्मिलित है, जिसमें प्रजा के लोगों की भावना का भी एक डेवलपमेंट किया जाता है, ये भी इसके एक इम्पोर्टेंस में सम्मिलित है। अगला देखें हम, तो अगला है आत्म सहायता और पारस्परिक सहायता। आत्म सहायता पारस्परिक सहायता भी इसकी इम्पोर्टेंस में है, क्योंकि जब सहकारिता संगठन का गठन किया जाता है तो इसकी इम्पोर्टेंस में एक अपनी सहायता और पारस्परिक अन्य लोगों की सहायता के लिए भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस रहती है। तो इस प्रकार भी है। अगला है सामाजिक कल्याण पर बल। सहकारिता का उद्देश्य सामाजिक कल्याण पर भी बल दिया जाता है। सामाजिक कल्याण की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रहती है कि किस प्रकार समाज का अधिक से अधिक उत्थान हो, किस प्रकार समाज को अधिक बढ़ाए, किस प्रकार गरीबी, किस प्रकार बेरोजगारी को समाप्त किया जाए। तो ऐसे संगठन के द्वारा व्यक्ति विशेष को इस प्रकार से मोटिवेट किया जाता है, जिससे वह निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी से महत्वपूर्ण भूमिका करता है। एक सहकारिता मध्य मार्ग भी है। सहकारिता मध्य मार्ग का मतलब यहाँ पर यह हुआ, एक मध्यस्थ के रूप में एक ऐसी संस्थाएँ क्रियान्वित करती है जो किसी व्यक्ति विशेष को उत्थान, उसके बढ़ावा, उसके विकास में एक अग्रणी भूमिका का निर्वहन करती है। इसलिए सहकारिता को एक मध्य मार्ग के रूप में भूमिका का निर्वहन करती है कि किस प्रकार पूंजीवादी, समाजवादी विचारधारा को समाप्त करके एक ऐसा प्रयास किया जाता है। ये भी है एक अवसर की समानता। अवसर की समानता भी इस सहकारिता सिद्धांत में सम्मिलित है, जिसमें सहकारिता सभी व्यक्तियों को समान आर्थिक अवसर उपलब्ध कराती है, जिसमें जनतांत्रिक नियंत्रण न्यायोचित वितरण के कारण सहकारिता के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यवसाय को चुनाव की स्वतंत्रता होती है। साधनहीन व्यक्ति अपने सीमित साधनों का आंकलन करके समिति का गठन करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। जीवन स्तर में सुधार।
जीवन स्तर में सुधार भी सहकारिता के हैं। राइजिंग स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ लिविंग, जिसमें सहकारी संस्थाएं मध्यस्थों को समाप्त करती हैं, इसमें उपभोक्ता उत्पादक दोनों के हितों की रक्षा करती हैं, कृषक को सस्ती साख उपलब्ध करवाती हैं, सस्ती व उचित मूल्य पर कृषि वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे बीज खाद आदि मिल जाते हैं, इसे उत्पादन लागत कम होती हैं। तो सहकारी समितियों की उपज श्रेणीकरण करती हैं, जो मंडियों उनकी उपज का विक्रय करती है, इससे उन्हें उपज का उचित मूल्य भी मिल जाता है। इस प्रकार सहकारी कृषकों की आय बढ़ाकर उनके जीवन स्तर को उन्नत करने में योगदान देती है। ये उपभोक्ता को भी सस्ती और अच्छी वस्तुएं उपलब्ध करवाकर उनकी आय को बढ़ाती है। इस प्रकार सहकारी समितियां सदस्य के जीवन स्तर में सुधार करने का भी प्रयत्न प्रयास कर रही हैं। एक राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय में वृद्धि सहकारी समिति या अन्य उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ये साख सुविधाएं कृषि उपकरणों, खाद बीज, कीटनाशक दवाओं, विपणन भंडारों की व्यवस्था करना आदि द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि करके औद्योगिक सहकारी विपणन दस्तकारों लघु उद्यमियों की सहायता से उत्पादन बढ़ाती है। इसी प्रकार औद्योगिक समितियां उत्पादन कार्यों के सहयोग देकर उत्पादन को निरंतर बढ़ाती है। तो ये भी है एक आर्थिक नियोजन की सफलता। आर्थिक नियोजन की सफलता भी एक अहम भूमिका है, जिसमें आर्थिक नियोजन के सफल बनाने के लिए सहकारिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें सरकार समितियों के माध्यम से अपनी योजनाएं गांवों तक पहुंचाने में सफल रही है। सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण जनता को भी आर्थिक नियोजन की जानकारी दी जाती है, जिसमें विभिन्न योजनाओं में उन लाभ आसानी से उठा सके, ये भी है। एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं शांति, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड पीस, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं शांति। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं शांति के रूप में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें सहकारिता शांति व सहयोग समन्वय स्थापित करके एक महत्वपूर्ण रूप से गठन करती है, जो कि सहकारी आंदोलन विश्वव्यापी आंदोलन है। इसे देश की सीमाओं तक सीमित रखना असंभव है, जिसमें सहकारिता की विचारधारा से विश्व बंधुत्व शांति सहयोग की भावनाओं पर भी ये महत्वपूर्ण रूप से निर्वहन करती है। एक रोजगार वृद्धि में सहायक। अंतिम है रोजगार वृद्धि में सहायक। रोजगार वृद्धि में भी सहायक एक सहकारी संगठन की एक अहम भूमिका रही है, कैसे कि सहकारिता एक आर्थिक आंदोलन है, जो सहकारिता ने कृषि उद्योग व्यापार में वृद्धि व उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। तो इस प्रकार सहकारिता के अनेक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी क्या हैं, बढ़ाए हैं। स्वयं सहकारी संगठनों के लाखों व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है, जिसमें सहकारी समितियां ग्रामीण बचतों को प्रोत्साहन करके इकट्ठा करती हैं, इस बचत के उत्पादन कार्यों में लगाया जाता है, जिसे अनेक व्यक्तियों क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। सीमित साधनों वाले व्यक्ति मिलकर अपने साधनों को इकट्ठा करके कोई ना कोई उत्पादन कार्य जरूर करते हैं, जिसमें अनेक व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वास्तव में एक सहकारिता एक सर्वोत्तम संगठन है, जो परस्पर प्रेम भाईचारे की भावना उत्पन्न करके व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण रूप से बल देती है। तो इस प्रकार हमने आज सहकारिता के रूप में सहकारिता के महत्व के बारे में हमने चर्चा की। तो हम नेक्स्ट अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट सहकारिता के लाभ कौन कौन से हैं, इम्पोर्ट एडवांटेज ऑफ कोऑपरेशन सहकारिता के लाभ में, आर्थिक लाभ कौन से हैं, आर्थिक लाभों के बारे में चर्चा करेंगे और सामाजिक लाभों के बारे में, राजनीतिक और नैतिक और शिक्षात्मक लाभ कौन कौन से हैं। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे सहकारिता के लाभों के बारे में, जिसमें आर्थिक सामाजिक लाभ आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि सहकारिता के कौन कौन से लाभ हैं,
सहकारिता के आर्थिक लाभ कौन से हैं, सहकारिता के सामाजिक लाभ कौन कौन से हैं, सहकारिता के राजनीतिक लाभ कौन से हैं, नैतिक लाभ कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम संक्षेप में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।